आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक मूवी सॉन्ग सिखाने जा रहा हूँ। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इस गाने के लिए। बहुत ही अच्छा गाना रहा, अपने समय में बहुत ही फेमस रहा और लोग अभी भी इसे एंजॉय करते हैं। दिल है कि मानता नहीं, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ सिखाने का इसे हारमोनियम पर। आप ध्यान से देखें और मैं बता दूं कि ये खमाज का स्वर है, कोमल नी है इसमें, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं, तो खमाज माना जा सकता है। वैसे तो मैं पहले भी बताया हूँ कि लाइट म्यूजिक जो होता है उसमें कुछ ना कुछ मिक्स नोट्स होते हैं, वो एग्जैक्ट राग में कई एक बार नहीं होता है, तो लेकिन कुछ मेन स्वर जरूर होता है राग का, तो उसे ये कहा जा सकता है कि मूल ये इस राग में है, तो इसे कहा जा सकता है खमाज राग में है। दिल शुद्ध ग से शुरू हो रहा है, दिल है जो लेते हैं वो ग से रे को टच करते हुए सा पे आते हैं, तो एक खटका बनता है। अब ये देखिए, मानता नहीं रे पर है, दिल है के मानता नहीं। अब मानता कई एक तरह से है, दो तीन तरह से मानता है, जिसमें से एक ये है प्लेन रे पर मानता नहीं, ठीक है। दूसरा है मानता नहीं, और तीसरा है बड़ा ही अच्छा है जो फीमेल वॉइस में है, बड़ी बहुत ही अच्छा मुझे लगा है वो। तो ये तीन तरह से मानता को लिया जाता है, तो आप उस पर ध्यान दें। पहले इसको बेसिक पहले तैयार कर लें, फिर उसके बाद उसमें वेरिएशंस जो है उसको तैयार करें। दिल है के मानता रे रे नी मानता नहीं, मैं पॉपर नहीं, सी शार्प से मैं बजा रहा हूं इसको भी, नहीं। दिल है के मानता नहीं, ठीक है। दूसरी लाइन देखें, मुश्किल बड़ी मुश्किल गगमा मुश्किल गामा मुश्किल बा फिर नीचे मुश्किल बड़ी है में एक गले में एक लोच है, गला जो है वो शेक करता है हल्का सा, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी बन पाता है वहां। है मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत, ध्यान दे, मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत, रस्मे मोहब्बत गर्गसा बत, रस्मे मोह हा आ जाएगा वहां पे, रस्मे मोहब्बत ये जानता ही नहीं, गौर करें, ये जान सारे गसा ये जानता, ये जानता ता जो है वो सारे गामा सारे गामा ता ही नहीं रे सा नहीं। अगर खटका मुड़की और सब कुछ को आप बजाने के साथ साथ बजाने में भी उस काम को करें और गाने में भी करें तो आवाज में क्वालिटी आ सकती है। मुश्किल बड़ी है
रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। हो देखिए गारे गारे सारे हो दिल है के मानता नहीं। एक मानता इस तरह भी है मान रे मारे मानता नहीं। ठीक है ये हो गया अस्थाई। अब लड़की की आवाज में जो है वो भी इसी तरह है हो के बाद हो दिल है के मानता नहीं ये बेकरारी। ठीक उसी तरह जैसे मुश्किल बड़ी है ये बेकरारी क्यों हो रही है क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं। ठीक उसी तरह है बिल्कुल पहली लाइन की तरह ये जानता ही हो दिल है के मानता नहीं। फिर लड़की की आवाज है दिल है के मानता नहीं मान ये है गारे रे ग मानता नहीं। अगर आपके गले से निकल सकता है तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है आइए अंतरा को करते हैं। दिल तो ये कोमल नी से दिल तो ये चाहे। मैं एक बात बताऊं जिन्होंने भी ये कंपोजिशन बनाया है मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है और फिर कुमार सानू जी गाए भी इसे बहुत अच्छा है तो मैं बड़ा ही आदर करता हूँ। दिल दिल तो ये और सही बताऊं मुझे गाने में बहुत मजा आता है ये सब और स्पेशली तब जब मुझे रिकॉर्ड जैसा नहीं गाना पड़ता है। अगर मुझे एकदम रिकॉर्ड जैसा गाने बोले आप कैरियोकी के साथ गाने बोल दें तो मैं बंद पड़ जाऊंगा क्योंकि मुझे बंधन सा महसूस होता है एक तो और फिर मैं याद नहीं रख सकता उतना। इसीलिए मैं क्लासिकल स्टाइल में अपने फ्री स्टाइल में गाता हूं मुझे बड़ा मजा आता है। बस अपने आनंद लेने के लिए गाता हूं और कुछ मेरे फैंस हैं जो मेरे गाने के स्टाइल को बहुत पसंद भी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये इस तरह दिल तो ये चाहे निधा दिल तो ये निधा माधा हारमोनियम बजाने में प का प को टच करते हुए अगर आप भागे तो उसमें खटका बनेगा है ना। दिल तो ये और आवाज में भी उसी तरह बनाएंगे दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम हर पल गा पा तुम्हें निधा हम पामा पामा। देखिए पामा पामा तो अगर सही ढंग से आप नोट को खाली समझ जाए तो आप पामा पामा भी गा सकते हैं इस तरह पामा पामा लेकिन वो क्वालिटी नहीं बनेगी। तो इसको कैसे गाएंगे हम पामा पामा दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही धाधनी बस यूं ही देखा करें आ बस यूं ही
देखा देखा करें। नेक्स्ट लाइन, मर के भी हम ना, सेम हुई है, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, तुमसे गापा, तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा आपास आजा, आपास धानी सा, आपास आ सारनी, आको ऐसे ले तो बहुत अच्छा रहेगा, आजा धप धप, फिर से मुझ में समा जा, आपास आजा, हमदम मेरे हम नसी, कैसे करेंगे, हमदम मेरे प ध सा, हमदम मेरे हम नसी, नींद सा हम नसी, ओ म्यूजिक बजता है वहां पर, आपको गाना नहीं है वहां, हमदम मेरे हम नसी, दिल है के मानता नहीं। और मैं समझता हूं कि स्थाई और अंतरा अगर आप समझ गए अच्छा से, तो आप इसे बहुत ही अच्छा गा सकते हैं और बजा सकते हैं। जब अपने टेक्निक से गाते बजाते हैं, अगर आप उसके क्लासिकल को जानते हैं, तो आप म्यूजिक भी बजा सकते हैं उसमें बहुत ही इजीली, कोमल नहीं लगता है, तो म्यूजिक जो बजेगा वो करीब करीब उसी स्वर के आसपास घूमता रहेगा। सारे गामा पाधा निसा, ग शुद्ध है, सारे स्वर शुद्ध हैं, केवल नी कोमल है। तो उस तरह से म्यूजिक आप अपना भी अगर बजाना चाहें तो बजा सकते हैं। वैसे रिकॉर्ड के गाने को जब हम गाते हैं तो उसमें रिकॉर्ड का म्यूजिक बजाएं तो बहुत अच्छा है। बजाया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड के म्यूजिक को याद करें तो बहुत अच्छा है। तो आप इसे अच्छा से प्रैक्टिस करें। एक बात मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी बोलूंगा, एक एक पंक्ति को प्रॉपर तरीके से देखें। जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे तभी आप उसके बजाने के टेक्निक को समझ पाएंगे और उसे गले में उतार पाएंगे। अगर आप रफली खाली समझ लिए, ओ ये सब नोट लगता है, चलो इस तरह बजा लेते हैं, नहीं। मैं कई एक स्टूडेंट को देखा हूं जो भजन सीखते हैं मेरे चैनल से, बहुत सारे भजन वो निकाले, तो निकाल तो लिए, बहुत सही, सारे नोट ठीक से निकाल लिए, लेकिन उस नोट को किस तरह बजाना है, कहां पर थोड़ा फास्ट है, कहां थोड़ा स्लो है, उसके माइनर चीजों को, जो बड़ा ही सूक्ष्म चीजें हैं उसमें, उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है, वो रफ बनता है। जैसे मान लीजिए दिल है कि मानता नहीं को अगर हम ऐसे गाएं, दिल है मानता नहीं, एक ही लाइन से आप समझ सकते हैं मैं जैसे गा रहा हूं, स्वर वही है लेकिन उसके गाने के टेक्निक्स को हम फॉलो नहीं किए, ठीक है। तो जब आप वीडियो देखते हैं किसी भी गाने का, तो उसके टेक्निक को फॉलो करें और ढंग से बजाएं, ढंग से गाएं। आप अच्छा गाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और
आप जितना सीख पाते हैं मुझे उतना ही आनंद आता है, ठीक है। और भी टेक्निकली अगर आपको डीपली म्यूजिक सीखना है तो आप निश्चित रूप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का जो आप देख रहे हैं साइट नीचे में भी है, और smsqueens@yahoo.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ईमेल करें आप अपना एड्रेस, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर भेजें ताकि मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूं, ठीक है। और फिर हम बात कर सकते हैं, आपके स्किल को मैं सुन सकता हूं और उसके बाद सीखने का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चार पांच तरह के पैकेजेस हैं, मैं वीडियो पर बताया भी हूं। तो जिस पैकेज में भी आप जहां फिट होते हैं, अगर फेस टू फेस आप सीखते हैं तो निश्चित रूप से वो मैं कहूं कि कम से कम 50-80% बेटर है सीखने से ऑनलाइन वीडियो से। मैं ऑनलाइन वीडियो इसलिए डाला हूं ताकि जो गरीब हैं, जो कम एफर्ट कर सकते हैं, वो उससे भी कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति कुछ सीखे, ठीक है। इसीलिए फेस टू फेस सीखना अधिक बेहतर है, क्योंकि वीडियो आपको ये नहीं कहेगा कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मैं फेस टू फेस में आपको बताऊंगा कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी उन्नति अधिक होगी निश्चित रूप से। मोर देन 50-60% इंप्रूवमेंट फास्टर और अच्छी होगी। इसीलिए फेस टू फेस सीखना ज्यादा बेहतर है। परंतु अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, गुरुजी अजय झा संगीत साधना केंद्र चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं सीखने के वीडियोस देता हूं। हर एक मंथ में 4 वीडियोस आप ले सकते हैं और उससे भी आप सीख सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी प्रगति उसमें भी होगी। हाँ, थोड़ा कम जरूर है लेकिन होती जरूर है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगा मैं, नमस्कार।